यूसुफ भाई ये बताए कि इस्लामाबाद में रेंट के लिहाज से सबसे सस्ता सेक्टर कौन सा पड़ेगा? यार एक चीज आपने देख ली है अभी कि रिसेंटली जो इस्लामाबाद के किराए हैं F6, F7, F8 में वो डॉलर्स में जा रहे हैं। आपको एक सिंपल कनाल का घर जो है वो 6,000 से 7,000 डॉलर का पड़ता है इस टाइम पे। और लोग ऐसे ऐसे घर भी E7 में भी ऐसे ऐसे घर हैं जो 15,000 डॉलर जो है ना डिमांड कर रहे हैं। तो अगर किराए के लिहाज से अगर आप किसी भी CDA सेक्टर में जाते हैं F6 से लेकर D12 तक तो किराए बहुत महंगे हैं। 5 मरले का घर भी आपको तकरीबन 1,00,000 रुपए में मिलता है अगर आप D12 में भी चले जाएं। उसके हवाले से आपका जो B17 है मल्टी गार्डन B17 वो बहुत मुनासिब है। एक तो ये है कि मल्टी गार्डन B17 का बिल्कुल जहां पे मेरा ऑफिस है गेट पे, यहां से F10 मरकज एग्जैक्ट 12 मिनट की दूरी पे है। ठीक है, अगर आप F10 मरकज पहुंच जाते हैं ना या F10 मार्गला एवेन्यू लेके पुरानी मार्गला रोड पे चले जाते हैं तो समझ लिया पूरे इस्लामाबाद से 7th एवेन्यू से आपकी एक्सप्रेसवे से फैसल एवेन्यू से आपकी कश्मीर हाईवे से सारों से आप कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से B17 बेस्ट सेक्टर है भाई। एक पोर्शन आपको 25,000 रुपए का मिल जाता है, यहाँ पे 5 मरले का पोर्शन 25,000 रुपए में आराम से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको सर्विस चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको टाइमली रिस्पांस करेगी। दूसरी चीज ये कि कनाल का घर तकरीबन आपको मिल जाता है कोई 1,40,000 रुपए से लेकर और 1.5-2 लाख रुपए तक भी होता है। ठीक है, इसी तरह से 7 मरले का घर 70,000 में। अपार्टमेंट की बात अगर आप करें तो अपार्टमेंट आपको मिल जाता है 35,000 रुपए में 2 बेड और 1 बेड आपको 20,000 में मिल जाता है, 22,000 रुपए में मिल जाता है। डिपेंड करता है भाई किस प्लाजे में है क्या है, लेकिन फिर भी बहुत इकोनॉमिकल है। तो मेरी सजेशन है कि यार उससे बजाय ये कि आप किसी साइड वाले पिंडी वाले एरियाज में रहें, मोहल्लों में रहें, ठीक है, उससे अच्छा ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें इस्लामाबाद में। मल्टी गार्डन B17 किसी भी CDA सेक्टर से बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड है।